नमस्कार, एसटी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको ईडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां आप देखें कि लैंडस्केप मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन भेजा गया, लेकिन आज भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं पहुंचेंगे। ये तस्वीर हम आपको ईडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि सीएम का जो कारकेट है वो ईडी कार्यालय को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। और इस तरीके से आप तस्वीर यहां पर देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए ईडी कार्यालय क्रॉस करते हुए सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि छठे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा गया था और छठे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दूं, लैंडस्केप मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से छठा समन भेजा गया था और आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आप देखिए यहाँ पर महिला जवान जो है वो इस तरीके से हाथों में रस्सी लेकर पूरी तरीके से तैयार थी, और इस तरीके से दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप देखिए एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग्स मंगवाए गए थे, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, सीआरपीएफ और सीएसएफ के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय होते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि आज उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जो कि आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम था, जिसमें वो दुमका उन्हें जाना था, दुमका और जामताड़ा, वो आज आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। ऐसे में छठा समन ईडी के तरफ से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया था, उस छठे समन पर मुख्यमंत्री आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इसी ईडी कार्यालय से हमने आपको तस्वीर दिखाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आज उनका कार्यक्रम जो है वो दुमका और जामताड़ा में पहले से निर्धारित है। ऐसे में वो आज आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुमका के लिए रवाना हो चुके हैं। आज ईडी उन्हें छठा समन की थी और छठे समन पर उन्हें ईडी कार्यालय आना था। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के समन को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से याचिका जब खारिज हो जाती है तो फिर हाईकोर्ट की तरफ मूव करते हैं, और हाईकोर्ट में कहा जाता है कि उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे हैं, तो ऐसे में उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, और अब सीएम के पास विकल्प है कि वो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहरहाल हम आपको इस तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए ईडी कार्यालय के अंदर किस तरीके से ईडी के अधिकारी जो है वो अपने तरफ से तैयारी जो है वो पूरी करके रखे थे। जो जिला प्रशासन है वो तो तैनात है ही, लेकिन साथ ही साथ सीआरपीएफ और सीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था, फायर ब्रिगेड मंगवाए गए थे, एम्बुलेंस मंगवाए गए थे, यानी कि ईडी के अधिकारी जो है वो अलर्ट मोड में थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके से जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया गया था, बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे, प्रशासन को तैनात किया गया था, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईडी कार्यालय के बाहर ये गहमा गहमी आपको नजर आ रही है, जहां भारी संख्या में मीडिया कर्मी तो तैनात हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन जो है वो भी तैनात है, सीआरपीएफ सीएसएफ के जवान जो है वो तैनात है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर हम बात करेंगे तो अगस्त में दो समन किया गया, सितंबर में दो समन किया गया, अक्टूबर में एक समन किया गया, लास्ट समन जो है वो 4 अक्टूबर का था, और सीधे 2 महीने के बाद ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन को फिर से समन करती है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन किया जा रहा है वो लैंडस्केप मामले को किया जा रहा है, क्योंकि ईडी के अधिकारी लैंडस्केप मामले को लेकर के झारखंड में छापेमारी कर रहे हैं, और इस छापेमारी में 14 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का भी नाम शामिल था, जिसमें जिनसे छवि रंजन से पूछताछ हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब जब भानु प्रताप के घर पर छापेमारी होती है, उनके आवास से उनके ऑफिस में छापेमारी जब ईडी करती है, तो इस छापेमारी में भानु प्रताप के घर से कई बैंक के कागजात और फर्जी जमीन के कागजात मिलते हैं, और आपको बता दूं कि भानु प्रताप के मोबाइल से कई ऐसे सबूत जो है वो ईडी को मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आता है, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री से ईडी सवाल जवाब करना चाहती है, और यही वजह है कि लगातार सीएम को तबड़तोड़ समन किया जा रहा है ईडी के तरफ से, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी के हर समन को चुनौती देते हैं, और आपको बता दूं कि वो छठे समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हर समन पर वो अपने तरफ से एक डाकिया, अपने तरफ से एक व्यक्ति को भेजते हैं जो चिट्ठी लेकर ईडी कार्यालय पहुँचता है, और इसी मेन गेट से वो ईडी कार्यालय के अंदर जाता है, जहां पर वो अपना परिचय देता है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
के तरफ से आया हुआ है, सीएमओ के तरफ से आया हुआ है, चिट्ठी लेकर आया हुआ है और वो चिट्ठी फिर ईडी के अधिकारी को सौंपता है। आपको बता दूं कि आज सीएम हेमंत सोरेन को लेकर लैंड स्कैम मामले को लेकर पूछताछ होनी थी और इस पूछताछ में कई ईडी के जो वरीय अधिकारी हैं वो सीएम से पूछताछ करते हैं और इसी को लेकर के दिल्ली और कोलकाता से जो ईडी के वरीय अधिकारी है वो पहुँचे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी कार्यालय के बाहर आगमन तो होता है लेकिन वो ईडी दफ्तर के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि वो इसी मुख्य मार्ग से इसी रास्ते से होते हुए वो एयरपोर्ट जाते हैं जहां पर पहले से उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित था, सरकारी कार्यक्रम आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए इसी रोड से निकल गए लेकिन वो ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे। यानी कि पूरी तरीके से अब चीज़ें साफ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के समन को चुनौती कर रहे हैं, ईडी कार्यालय नहीं पहुँच रहे हैं और ईडी के अधिकारी जो है वो तबातोड़ मुख्यमंत्री को सम्मन करके उनसे लैंड्स के मामले में पूछताछ करना चाहती है लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शायद कोई और विकल्प तलाश रहे हैं, यही वजह है कि वो ईडी के सम्मन का जवाब नहीं देते हैं लेकिन उनके तरफ से एक चिट्ठी जो है वो ज़रूर ईडी ऑफिस पहुंचता है। हालांकि अब इंतज़ार करना होगा कि छठे सम्मन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुँचते तो ऐसे में ईडी जो है वो दूसरा क्या रास्ता अपनाती है। आपको बता दूं कि यही ईडी के सम्मन को लेकर के झारखंड में राजनीति भी तेज है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईडी के सवालों के जवाब से डरते हैं कि उन्हें लगता है मुख्यमंत्री को कि कहीं ना कहीं वो गुनहगार हैं गलत है और यही वजह है कि वो आना नहीं चाहते हैं ईडी कार्यालय। ऐसे में अब ईडी के अधिकारी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यह भी कहते हैं कि अगर ईडी के कार्रवाई का सीएम हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में राज्यपाल को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो इस तरीके की झारखंड में राजनीति भी हो रही है ईडी के सम्मन को लेकर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के छठे सम्मन पर नहीं पहुंचे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिर से झारखंड में राजनीति तेज़ होगी। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी जो है वो अब इस छठे सम्मन पर जब सीएम नहीं पहुँचते हैं तो इसको लेकर क्या बयान देती है और साथ ही साथ ईडी जो है वो क्या सीएम हेमंत सोरेन को छठा सम्मन के बाद क्या सातवां सम्मन भेजेगी या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशेगी।